सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है ट्विंकल तनु चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। इस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैं दो तीन दिनों से वीडियो नहीं डाल रही थी, पर अब मैं डालने वाली हूँ डेली। अब देखते हैं क्या है। हम आज पढ़ने वाले डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। हमने पहले पढ़ लिया था किसके बारे में, अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में और बायोटिक फैक्टर्स के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में, और अब हमारे पास आने वाला है, हाँ हमने ये भी पढ़ा था, पोलन पिस्टल के बारे में। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। ओके, सो व्हाट डज मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन, हाउ डज द डबल फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन हैपन्स। ओके, सो द फ्यूजन ऑफ वन हैप्लॉइड मेल गैमेट। ओके, सुन रहे हो क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है, किसका फ्यूजन हो रहा है? एक मेल हैप्लॉइड गैमेट का किसके साथ हो रहा है? फीमेल हैप्लॉइड गैमेट के साथ। ओके, क्या बन रहा है उन दोनों के फ्यूजन से? एक डिप्लॉइड जायगोट बन रहा है। ओके, एक डिप्लॉइड जायगोट बन रहा है, साथ ही साथ वो फ्यूजन से एक अनादर हैप्लॉइड मेल गैमेट भी बनेगा, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ एक ट्राइपॉलिड एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस करेगा। मतलब क्या? द फ्यूजन ऑफ वन हैप्लॉइड मेल गैमेट विद हैप्लॉइड फीमेल एग सेल टू फॉर्म डिप्लॉइड जायगोट, एंड फ्यूजन ऑफ अनादर हैप्लॉइड मेल गैमेट विद सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंजियोस्पर्म। ओके, व्हाट डज इट मीन कि हमारा मतलब फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है? एक मेल गैमेट है, ओके, और क्या है, दूसरा फीमेल गैमेट है। ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, इन दोनों का क्या हो रहा है? फ्यूज़न हो रहा है। फ्यूज़न होने के बाद दो चीज़ें बन रही हैं, एक तो अपना डिप्लॉइड जायगोट बनेगा, ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा? एक हैप्लॉइड मेल गैमेट बनेगा, जो क्या करेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ एक ट्रिप्लॉइड एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस्ड करेगा। ओके, समझ गया इसका मतलब, समझ गया ना क्या हो रहा है? ठीक है, क्या हो रहा है? एक हैप्लॉइड मेल गैमेट, ओके, एक हैप्लॉइड मेल गैमेट और एक फीमेल मेल गैमेट। ओके, उन दोनों का क्या हो रहा है? फ्यूज़न हो रहा है। फ्यूज़न होने के बाद क्या हो रहा है? डिप्लॉइड जायगोट बन रहा है, ओके, और डिप्लॉइड जायगोट के बाद एक और चीज़ बन रही है। क्या बन रही है? ट्रिप्लॉइड एंजियोस्पर्म। ओके, अब क्या बता रहा है? जो हमारा फर्टिलाइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। ओके, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म इन फ्लावरिंग एंजियोस्पर्म प्लांट। ओके, अब क्या बता रहा है? ओके, सो अब क्या बता रहा है? यहाँ पे ये बता रहा है कि जो हमारे साइंटिस्ट है नवाश्चन नाम के, उन्होंने क्या किया था, ये डबल फर्टिलाइजेशन लिलियम नाम के एक प्लांट में देखा था डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, उसके बाद क्या बता रहे हैं वो देखो, जो पोलन ग्रेन है हैज़ रीच द सरफेस टू द स्टिग्मा एंड इट जर्मिनेट एंड फॉर्म अ पोलन ट्यूब। ओके, हमने पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन में देखा था कि क्या क्या होता है, क्या होता है, जो हमारा पोलन ग्रेन है वो क्या होता है, स्टिग्मा के सरफेस के पास जाता है, फिर जर्मिनेट होता है, पोलन ट्यूब बनता है। पोलन ट्यूब के अंदर क्या होता है, पोलन ट्यूब क्या करता है, सिनरग्रिड के पास पहुँचता है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होता है, ओके, वो क्या करता है, अपने ओवल्स के अंदर थ्रू हो जाता, थ्रू मतलब एंटर हो जाता है। उसके बाद उस स्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, प्रोमोगैमी। ओके, प्रोमोगैमी, प्रोमोगैमी मतलब द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज गाइडेड बाय द केमिकल सिक्रेट बाय द सिनरग्रिड, इट यूजुअली एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल। ओके, क्या करता है वो, माइक्रोपाइल के अंदर एंट्री कर ले, माइक्रोपाइल से ओविल के अंदर एंट्री करता है, उस ट्रम को क्या बोलते हैं हम, प्रोमोगैमी। ओके, बट इन सम केसेस इट फाउंड्स एंटर थ्रू चाल्जा। अब क्या बता रहा है इसके अंदर, आप लोग कंफ्यूज मत हो, क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको तीन डायग्राम बताई गई है, ठीक है। पहला क्या बता रहा है, पहला ये बता रहा है कि जो हमारा पोलन ट्यूब है वो क्या कर रहा है, माइक्रोपाइल के थ्रू से अंदर ओविल के पास पहुँच रहा है, उसको क्या बोला गया है, उसको प्रोमोगैमी बोला गया है, उसको पोरोगैमी बोला गया है। ओके, उसके बाद क्या बता रहा है, अगर हमारा पोलन ग्रेन जो है, पोलन ट्यूब जो है वो क्या करेगा, चाल्जा के तरफ से एंट्री करेगा पोलन ओव्यूल के अंदर, तो क्या होगा,
उसको हम बोलेंगे चाल्जोगैमी। ओके, अब तीसरा क्या बता रहा है, कुछ कुछ जगह पे क्या होता है वो ना पियरिंग करके इंटीग्यूमेंट के अंदर से इंटीग्यूमेंट के थ्रू ओवल के अंदर एंट्री करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मीजोगैमी। ओके, ये तीनों का मतलब समझ गया, क्या होता है तीनों का मतलब समझ गया, ठीक है। प्रोमोगैमी मतलब जो हमारा पोलन ट्यूब है वो क्या कर रहा है, माइक्रोपाइल के थ्रू ओव्यूल के अंदर एंट्री कर रहा है। चाल्जोगैमी जो चाल्जा के अंदर से चाल्जा की हेल्प से ओव्यूल के अंदर एंट्री कर रहा हो, और मीजोगैमी मतलब जो इंटीग्यूमेंट के थ्रू ओव्यूल के अंदर एंट्री कर रहा हो। ओके, ये तीन चीज़ें याद रख लो। इन अब कन्फ्यूज मत हो जाना कि प्रोमोगैमी किसको बोलते हैं, चाल्जोगैमी किसको बोलते हैं और मीजोगैमी किसको बोलते हैं। ओके, उसके बाद क्या बता रहा है, द पोलन ट्यूब कैरीज मेल गैमिट पेनेट्रेट्स इन वन ऑफ द सिनर्ग्रिड, वाटरी कंस्टिट्यूएंट ऑफ सिनर्ग्रिड्स आर ऑब्जर्व बाय पोलन ट्यूब। ओके, एंड रिलीज द कॉन्टेंट इंक्लूडिंग टू नॉन मोटाइल मेल गैमिट्स, हैज नॉन मोटाइल गैमिट्स आर कैरिड थ्रू होलो ट्यूब इट नोन हैज सिपेनोगैमी। ओके, अब क्या बता रहा है, देखो अब ये बता रहा है कि जो हमारा पोलन ट्यूब है वो क्या करेगा, दो मेल गैमिट्स कैरिड करेगा और उनमें से एक सिनर्ग्रिड के अंदर वो पेनिट्रेट कर देगा। उसके बाद जो हमारा पोलन ट्यूब है वो क्या करेगा, सिनर्ग्रिड से वाटरी कंस्टिट्यूएंट ऑब्जर्व करेगा और उसके बाद वो टू नॉन मोटाइल मेल गैमिट को इंक्लूड करेगा। उसके बाद जो हमारा नॉन मोटाइल मेल गैमिट है वो क्या करेगा, हॉलो पोलन ट्यूब के अंदर क्या करेगा, हमारा जो नॉन मेल गैमेट है वो क्या करेगा, कैरी थ्रू अ होलन। ओके, जो हमारा हमने क्या किया, हमारा टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट बना, ठीक है, टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट बना। अब क्या हुआ, वो टू नॉन मोटाइल गैमेट कहाँ गए, पोलन ट्यूब के अंदर गए, किससे गए, पोलन ट्यूब के अंदर गए, कौन थे पोलन ट्यूब, वो कैसा था, हॉलो था, उस चीज़ को क्या बोलेंगे हम, उस चीज़ को हम बोलेंगे सिपेनोगैमी। ओके, सिपेनोगैमी। ओके, उसके बाद क्या बता रहा है, उसके बाद बता रहा है दैट इंश्योर्स फर्टिलाइजेशन टू टेक प्लेस, सिनागैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन्स आर द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ओके, ये दो चीज़ें यहाँ पे बताया है, देखो दो चीज़ों में क्या क्या बता रहा है, सिपेनोगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन जो है वो दो इवेंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के, किस में होने गए, एंजियोस्पर्म में। ओके, अब क्या बता रहा है, सिपेनोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट विद डिप्लॉइड। अच्छा, अभी बताया था आपको क्या हुआ, देखो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं भी हो रही हूँ कंफ्यूज, आपको बता देती हूँ एक और बार अच्छे से ध्यान से एकदम क्लियर होके। हमारा जो मेल गैमेट है, ओके, जो हमारा मेल गैमेट बना है, कितने मेल गैमेट बने, हमारे दो मेल गैमेट बने, वो दो मेल गैमेट कहाँ गए, एक हॉलो पोलन ट्यूब के अंदर गए, उस प्रोसेस को क्या बोले हमने, उस प्रोसेस को हमने बोला सिपेनोगैमी। ओके, सिपेनोगैमी, ओके, जो भी है आगे, ओके, उसको हमने वो बोला। अब क्या हुआ, अब दो टाइप के फ्यूजन बताया, एक साइनोगैमी और एक बताया ट्रिपल फ्यूजन, ये दोनों क्या है, ये दो मेन प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखे जाते हैं। ओके, उसके बाद क्या बता रहा है, उसके बाद ये बता रहा है जो मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा मेल गैमेट है वो हैप्लॉइड है, फीमेल गैमेट क्या है, हैप्लॉइड है, वो क्या करेंगे, डिप्लॉइड जायगोट फॉर्म करेंगे। ओके, वो क्या करेंगे, डिप्लॉइड मेल जायगोट फॉर्म, डिप्लॉइड जायगोट फॉर्म करेंगे। ओके, देयर एज इन ट्रिपल फ्यूजन सेकेंड हैप्लॉइड मेल गैमेट फ्यूज विद डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। उसके बाद दूसरा क्या होगा, जो हमारा दूसरा जो मेल गैमेट है हैप्लॉइड, वो क्या करेगा, डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ प्राइमरी एंडोस्पर्म डेवलप्स करेगा। ओके, कहाँ डेवलप करेगा, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म में डेवलप करेगा। ओके, बताया था आप लोगों को स्टार्टिंग में। ओके, उसके बाद क्या बता रहा है, जो हमारा जायगोट है वो क्या करेगा, डेवलप्स इन एम्ब्रियो। ओके, वह एम्ब्रियो में डेवलप्स होगा। उसके बाद साइनोगैमी इज अ टाइप ऑफ जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, वेयर एज ट्रिपल फ्यूजन इज अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव। अब भैया आप लोग ये बोलोगे वेजिटेटिव और जनरेटिव क्या है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक पहले वीडियो बना दिया था, तो वीडियो आप लोग देख लेना, ठीक है। इसमें क्या बता रहा है कि जो हमारा साइनोगैमी है वो क्या करेगा, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन
टाइप है, और जो हमारा ट्रिपल फ्यूज़न है वो क्या है, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन का फर्टिलाइजेशन का शो करता है, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहा है, बोथ मेल गैमेट्स पार्टिसिपेट एंड देयरफॉर डिस्क्राइब हैज डबल फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ डबल फर्टिलाइजेशन को इतना भारी केस मत बनाओ। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन ये है कि जो हमारा एक मेल गैमेट है वो दूसरी फीमेल गैमेट के साथ, डिप्लॉयड फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़न करेगा, उससे हमारे दो मेल गैमेट प्रोड्यूस्ड होंगे। पहला मेल गैमेट क्या करेगा, हाँ पहला तो मेल गैमेट पहले तो जायगोट फॉर्म हो जाएगा, डिप्लॉयड जायगोट, और दूसरा जो रहेगा वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़न करेगा और क्या बनाएगा, एक प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाएगा, ठीक है। बस इतना याद रखो, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, हो गया। अब क्या बता रहे हैं, सिग्निफिकेंस बता रहे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। इट्स अ यूनिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म, इट इंश्योर्स दैट द पेरेंट प्लांट इन्वेस्ट अ सीड विद अ फूड स्टोर ओनली इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड। द डिप्लॉयड जायगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो व्हिच कंसिक्वेंटली डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। ओके, जो हमारा डिप्लॉयड जायगोट बना है वो क्या होगा, एक डिप्लॉयड जायगोट क्या हुआ, एम्ब्रियो के साथ डेवलप, एम्ब्रियो में डेवलप्ड हुआ, उसके बाद क्या होगा, एक न्यू प्लांट बन जाएगा। हो गया इतना ही, ओके। अब क्या बता रहे, देखो एक सेकेंड ना बच्चों, और सिग्निफिकेंस यहाँ पे बताया गया है। देखो जैसे ट्रिप्लॉयड पी ई एन क्या है, PEN क्या है अभी यहाँ पे बताया था, देखो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ओके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोला जाता है, PEN को याद रखना, ये तो कंफ्यूज हो गए PEN क्या है भैया, इन्होंने तो बताया ही नहीं, ठीक है। क्या होगा वो, डेवलप्स इनटू न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म टिश्यू। जो हमारा ट्रिप्लॉयड PEN है, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, वो कहाँ होगा, डेवलप न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म टिश्यू में डेवलप्ड होगा, ओके। उसके बाद क्या बता रहा है कि दैट रिस्टोर्स द डिप्लॉयड कंडीशन बाय फ्यूजन ऑफ हैप्लॉयड मेल गैमेट विद हैप्लॉयड फीमेल गैमेट। ओके, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक कंडीशन बताया डिप्लॉयड जायगोट के बारे में, डिप्लॉयड के बारे में कि जो हमारा, अच्छा चलो चलो यहाँ पे क्या बता रहा है, देखो यहाँ क्या बता रहा है, यहाँ पे एक कंडीशन बताया गया है टू अवॉइड द पॉली एम्ब्रियोनी, ओके उसको अवॉइड करने के लिए क्या करता है, ये डिप्लॉयड कंडीशन बताया है जो है ना हैप्लॉयड मेल गैमेट और हैप्लॉयड फीमेल गैमेट के थ्रू, सिनोगैमी के थ्रू होती है, ठीक है। यहाँ पे इतना बताया गया है, क्यों, क्योंकि वो पॉली एम्ब्रियो को क्या, अवॉइड करने के लिए, ओके यहाँ पे इतना बताया। अब क्या बता रहा है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। अब डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म मतलब कि भैया यहाँ पे क्या होने वाला है, माइटोटिक डिवीज़न होने वाला है, किसका माइटोटिक डिवीज़न होगा, किसके साथ होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस के साथ, ओके यहाँ पे क्या बता रहा है, देखो मैं आपको एक बार एकदम क्लियरली बताती हूँ, रुको एक सेकेंड, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा ऐसे कर लेती हूँ, ओके यहाँ क्या बता रहा है, देखो द ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू कॉल्ड एंडोस्पर्म। अब हमारा जो ट्रिप्लॉयड PEN बना था, ठीक है, PEN बना था पेन, ओके वो क्या करेगा, माइटोटिकली डिवीज़न करेगा, क्या बनाने के लिए, एंडोस्पर्म बनाने के लिए, ओके। इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज विद इन द ओव्यूल द एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म्स आर सीन टू बी डेवलप साइमल्टेनियसली। क्या होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, क्या दिखाई देगा कि जो ओव्यूल है भैया वो क्या, एम्ब्रियो जो है हमारा और जो एंडोस्पर्म है वो दोनों क्या हुए, डेवलप होना चालू हो जाएंगे अचानक से, उस अचानक से मतलब साइमल्टेनियसली, ओके ओके। उसके बाद क्या बता रहा है, द आउटर सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक डिसऑर्गेनाइज सूनर और लेटर, द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्राइगर सेल डिवीजन विथ लीड्स टू बी फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भैया क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म में क्या बता रहा है कि वो माइटोटिकली क्या करेगा, डिवीज़न करेगा और एंडोस्पर्म बनाएगा, ठीक है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो हमारा एम्ब्रियो है और एंडोस्पर्म है वो क्या होंगे, डेवलप होंगे साइमल्टेनियसली। उसके बाद क्या बता रहा है, जो हमारा अदर सेल है
एम्ब्रियो सेक का, वो क्या होगा, डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे, ठीक है, वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे। फिर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म, वो क्या होगा, सेल डिविजन होगा और फिर हमारा एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाएगा। ओके, सिर्फ इतना ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म ऑन अ बेसिस ऑफ मोड ऑफ डेवलपमेंट। अब भैया यहाँ पे तीन टाइप के एंडोस्पर्म के टाइप्स बताए गए, और वो भी किसके ऊपर थ्रू डिपेंड होंगे, मोड ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, तीन टाइप के, न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप और हेलोबियल टाइप। अब यहाँ क्या बता रहा है, देखो यहाँ पे डायग्राम में एक से ना, यहाँ हमको डायग्राम में क्या बता रहा है, देखो ये हमारी है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। पहला टाइप क्या बता रहा है, न्यूक्लियर, दूसरा बता रहा है सेलुलर, उसके बाद हेलोबियल। अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले न्यूक्लियर के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियर क्या है, एक मोस्ट कॉमन टाइप है जो 161 एंजियोस्पर्म फैमिलीज में पाया गया है। ओके, हियर द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड माइटोटिकली विदाउट वॉल फॉर्मेशन टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर। क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर वाला टाइप है, वो क्या करेगा, वो माइटोटिकली डिवीजन करेगा, ठीक है, पर यहाँ पे क्या होगा, वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, यहाँ पे वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा और उससे क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर बन जाएंगे। अब बिग सेंट्रल वैक्यूल्स अपीयर। ओके, बीच में क्या होगा, एक बिग सा वैक्यूल प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, वॉल्स डेवलप्स बिटवीन द न्यूक्लियर, हेंस मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म इज प्रोड्यूस्ड। क्या होगा, जो हमारा वैक्यूल है, जो सेंट्रल वैक्यूल है, वो क्या करेगा, सेल को पुश करेगा, न्यूक्लियर को पुश करेगा, न्यूक्लियर को कहाँ पुश करेगा, टूवर्ड्स कहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं आपको एक और बार बताती हूँ। अ बिग सेंट्रल वैक्यूल अपियर्स इन अ सेंटर ऑफ सेल पुशिंग द न्यूक्लियर टूवर्ड्स द पेरीफेरी। लेटर वॉल्स ऑफ डेवलप्स बिटवीन द न्यूक्लियर, हेंस मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म इज फॉर्म, बट इन सेवरल केसेस सेल फॉर्मेशन, वॉल फॉर्मेशन रिमेन्स इनकम्प्लीट। क्या कर रहा है यहाँ पे, हमारा जो वैक्यूल है वो क्या कर रहा है, हमारे न्यूक्लियर को कहाँ सेंटर ऑफ सेल के थ्रू क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, ठीक है, पुश कर रहा है, और फिर हमारा क्या होगा, एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ जगहों पे क्या होता है, ये फॉर्मेशन होने के लिए यहाँ पे क्या बताया था, ये विदाउट वॉल फॉर्मेशन के थ्रू होता है, पर कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, जो हमारा वॉल फॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्या दिया है, वीट, सनफ्लावर और कोकोनट, ये तीनों में क्या होता है, मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्म होते हैं। ओके, उसके बाद बता रहे हैं हमारे सेलुलर टाइप में। अब सेलुलर टाइप में क्या बता रहा है, इन सम प्लांट डिवीजन ऑफ ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस इज इमीजिएटली फॉलोड बाय द वॉल फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो वॉल फॉर्मेशन है वो किसके थ्रू हो रहा है, कैसा हो रहा है, वो वॉल फॉर्मेशन के थ्रू हो रहा है, मतलब समझ रहे ना आप, हमारा इस न्यूक्लियर टाइप में क्या बताया था कि वो वॉल फॉर्मेशन के थ्रू नहीं होता है, सेलुलर में क्या होता है, वॉल फॉर्मेशन के थ्रू होता है। ओके, सो दैट द एंडोस्पर्म इज सेलुलर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, इट इज मोस्टली ऑब्जर्व इन 72 फैमिलीज। ओके, यहाँ क्या बता रहा है, 72 फैमिलीज में ये चीज़ें पाई गई है, और वो फैमिलीज कैसे, डायकॉट्स है। ओके, उनके मेंबर्स कैसे, डायकॉट्स है। एडोसा नाम का जो प्लांट है, जो मेंबर है प्लांट है, उसमें भी यह पाया गया है। ओके, उसके बाद क्या बता रहे, देखो उसके बाद हेलोबियल टाइप में, हेलोबियल टाइप में क्या बता रहा है, इट ऑकर्स इन ऑर्डर ऑफ हेलोबियल्स ऑफ मोनोकॉटलीडॉन्स। ओके, यहाँ क्या बता रहा है, मोनोकॉटलीडॉन्स के बारे में बता रहा है। इन दिस केस द फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय ट्रांसवर्सल वॉल विच डिवाइड्स द सेल अनइक्वली। द स्मॉलर सेल इज चार्जल सेल एंड द लार्जर इज मैक्रोपियल सेल। देन द न्यूक्लियर इन ईच सेल डिवाइड्स बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एंड देन वॉल डेवलप्स बिटवीन न्यूक्लियर इन माइक्रोपाइलर चेंबर। इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन सेलुलर एंड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ओके, यहाँ क्या बता रहा है, जो हमारा हेलोबियल है वो क्या है, दो प्रकार से बताया गया है। हमारा हेलोबियल किस टाइप का है, दो टाइप्स के, देखो एक तो हमारा न्यूक्लियर भी आता है, सेलुलर भी आता है। क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा वो है, क्यों
न्यूक्लियस, वो जो हमारा सेल है वो अनइक्वली डिवाइड होता है, ठीक है, अनइक्वली डिवाइड होता है। जो उसका स्मॉलर सेल रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, चार्जर सेल बोलते हैं, और जो लार्जर सेल रहता है उसको माइक्रोपाइलर सेल बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा न्यूक्लियस है वो कैसा और डिवाइड होता है, वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है, किस किस कहाँ पे करता है, बिटवीन द वॉल्स ऑफ माइक्रोबियल चैम्बर, ओके। जहाँ पे हमारा माइक्रोबियल चैम्बर रहता है वहाँ पे वो क्या करता है, डिवीजन करता है। कौन डिवीजन करता है, न्यूक्लियर डिवीजन करता है। कैसा डिवीजन करता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है, ओके। यहाँ पे इतना बताया गया है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में, अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में क्या बता रहा है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जायगॉट इनटू एन एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस। भैया ये बात तो सबको पता है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, ओह माय गॉश ये बहुत बड़ा हो गया, एक सेकंड। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जायगॉट इनटू एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस। ये ना एक्चुअली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस बेस्ड पे बोर्ड में, डिफाइन एम्ब्रियोजेनेसिस, व्हाट इज मीन बाय एम्ब्रियोजेनेसिस, व्हाट इज मीन बाय मैक्रोस्पोरेंजियोसिस, व्हाट इज मीन बाय मेगास्पोरेंजियोसिस, ओके। तो याद रख लो, एम्ब्रियोजेनेसिस किसको बोलते हैं, जहाँ पे हमारा जायगॉट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप्ड हो रहा हो उसे हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। द एम्ब्रियो इज डेवलप्ड एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सेक। कहाँ पे होता है वो, माइक्रोपाइलर एंड पे होता है, एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप्ड, ओके। द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो ट्रिगर्स ओनली, ओके, द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो ट्रिगर्स ओनली, ओनली कहाँ, आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। एट फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बिगेंस, द जायगॉट डिवाइड्स टू फॉर्म टू सेल प्रो एम्ब्रियो। क्या करेगा हमारा, स्टार्टिंग में हमारा जायगॉट वो क्या करेगा, दो सेल प्रो एम्ब्रियो तैयार करेगा। कौन तैयार करेगा, हमारा जायगॉट, ओके। उसके बाद द लार्जर सेल टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल इज कॉल्ड हैज, इज कॉल्ड हैज बेसल और सस्पेंसर इनिशियल सेल, ओके। अब क्या हुआ, हमारे माइक्रोपाइल के पास दो सेल प्रोड्यूस्ड हुए, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, माइक्रोपाइलर एंड के पास क्या हो रहा है, दो सेल फॉर्म हो रहे। पहला जो सेल छोटा है, नहीं सॉरी बड़ा है, वो सेल क्या, माइक्रोपाइलर एंड के पास, उसे हम क्या बोलते हैं, बेसल और सस्पेंसर इनिशियल सेल। अब आप भैया सस्पेंसर इनिशियल सेल के बारे में तो बहुत बार पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे, ओके। तो क्या हुआ, जो हमारा सेल है कौन सा वाला, लार्जर सेल है जो माइक्रोपाइलर एंड के पास है, उसे हम क्या बोलते हैं, सस्पेंसर इनिशियल सेल। और जो छोटा सेल है जो चार्जा के पास है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल और एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल, ओके। दो टाइप के बता दिया। अब उसके बाद द सस्पेंसर सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली इन वन प्लेन टू प्रोड्यूस फिलामेंटस सस्पेंसर ऑफ 6 to 10 सेल, ओके। देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में बताया जा रहा है, देखो ये रही यहाँ पे डायग्राम, इसको क्या बता रहा है, देखो सबसे पहले तो ओस्पोर तैयार हुआ, उसके बाद हमारे दो स्पोर तैयार हुए, एक तो सस्पेंसर सेल हुआ, दूसरा एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, फिलामेंटस सस्पेंसर सेल तैयार हुएंगे, कितने, 6 to 10 सेल्स में, ओके। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट सेल रहेगा वो क्या करेगा, सस्पेंसर सेल, वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाएगा और सोलोन हो जाएगा, और क्या फंक्शन करेगा, होस्टोरियम नाम का एक चीज़ को फंक्शन करेगा। जैसे देखो यहाँ पे मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, द फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड बिकम्स सोलोन एंड फंक्शन हैज होस्टोरियम, ओके। क्या करेगा, होस्टोरियम की चीज टाइप फंक्शन करेगा। द लोअर मोस्ट सेल ऑफ सस्पेंसर इज नोन हैज हाइपोफाइसिस, ओके, हाइपोफाइसिस। जो लोअर सेल रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोफाइसिस। किसका लोअर सेल, सस्पेंसर का, याद रखना, ओके। द सस्पेंसर हेल्प्स इन पुशिंग द एम्ब्रियो इन एंडोस्पर्म। हमारा सस्पेंसर क्या काम करता है, वो पुश करता है एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म के अंदर जाने के लिए। द एम्ब्रियोनियल इनिशियल अंडरगोज 3 successive mitotic division टू फॉर्म
कॉटेंट। ओके, अब हमारा सस्पेंसर सेल के बारे में तो आप लोग पढ़ लिए। अब हमारा एम्ब्रियोनियल इनिशियल सेल क्या करता है, वो 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन करता है और ऑक्टेंट फॉर्म करता है। द प्लेन्स ऑफ डिवीजन आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। क्या है हमारा जो प्लेन्स रहेंगे, डिवीजन जो होंगे वो क्या रहेंगे, राइट एंगल फॉर्म करते हैं, मतलब उस टाइप के जगह पे वो ऐसे बैठे रहते हैं। ठीक है, राइट एंगल फॉर्म करते हुए बैठे रहते हैं, वो कैसे दिखता है, राइट एंगल फॉर्म करे हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद द लोअर टायर ऑफ 4 सेल्स ऑफ ऑक्टेंट गिव राइज टू हाइपरटॉक्टिल एंड रेडियल, वेयर एज द 4 सेल ऑफ, ओके पहले इतना ही पढ़ लेते हैं। क्या बता रहा है, सबसे पहले तो हमारा ये बता रहा है, बताते हूँ। ठीक है, जो हमारा एम्ब्रियोनियल इनिशियल है वो क्या कर रहा है, लोअर टायर जो रहेगा उसका नीचे का जो हिस्सा रहेगा वो क्या करेगा, 4 सेल तैयार करेगा। उस 4 सेल को हम क्या बोलेंगे, हाइपोकॉटल। ओके, और साथ ही साथ वो क्या करेगा, 2 सेल भी फॉर्म करेगा रेडियल नाम के। ठीक है, रेडियल नाम के 4 सेल्स भी वो तैयार करेगा। उसके बाद क्या बता रहा है, देखो एक सेकंड बच्चों, बहुत ऊपर नीचे कर दिया है मैंने ये बहुत। ठीक है, अपर टायर फ्रॉम द प्यूमिल ऑफ 1 or 2 कॉटिलीडन, द हाइपोफाइसिस बाय फर्दर डिवीजन गिव राइज टू द पार्ट ऑफ रेडियल एंड रूट कैप। अब क्या होगा, हमारा रेडियल तो बन गया है ना, तो अपर टायर जो प्यूमिल रहेगा, प्यूमिल क्या होता है दीदी बता दीजिए हमें। ठीक है, जो सॉइल के ये सीड है हमारा सपोज, और ये सॉइल के ऊपर पार्ट जो ग्रोथ हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, प्यूमिल बोलते हैं। ओके, अब जो हमारा प्यूमिल है वो क्या होगा, अपर टायर फॉर्म करेगा। ठीक है, अपर टायर से क्या होगा, प्यूमिल फॉर्म होगा, और जो नीचे साइड हो गए वो क्या बोलेंगे हम, उसे हम रेडिकल बोलेंगे और रूट कैप बोलेंगे। ठीक है, जो हमारा धीरे धीरे क्या होगा, हमारा प्यूमिल फॉर्म होगा और धीरे धीरे हमारा रेडिकल फॉर्म होगा। क्या हुआ, एम्ब्रियो क्या हुआ, अब सीड में फॉर्म हो गया, सीड सॉरी वो क्या हुआ, एम्ब्रियो क्या हुआ, एम्ब्रियो ने प्यूमिल तैयार किया और साथ ही साथ नीचे रेडिकल्स तैयार किए। ठीक है, उसके बाद द सेल इन अपर टायर ऑफ ऑक्टेंट डिवाइड्स इन सेवरल प्लेन्स सो टू बिकम हार्ट शेप विच फॉर्म 2 लेटरल कॉटिलीडन एंड टर्मिनल प्यूमिल, फर्दर इनलार्जमेंट ऑफ हाइपोकॉटिल एंड कॉटिलीडन रिजल्ट इन कर्वेचर ऑफ एम्ब्रियो एंड इट अपियर्स हॉर्सशू शेप। अब क्या होगा, हमारा प्यूमिल तैयार हो गया और हमारा क्या तैयार हो गया, रेडियल तैयार हो गया। अब क्या होगा, वो जो हाइपोकॉटल सेल्स है वो क्या होंगे, एम्ब्रियो जो रहेगा वो कैसे शेप में तैयार हो जाएगा, हॉर्सशू शेप में तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा एम्ब्रियो वो क्या करेगा, डेवलप्ड होगा, कहाँ पे डेवलप होगा, जैसे ही हमारा सेम टू सेम डेवलप होगा डाइकॉटिलीडन में भी और मोनोकॉटिलीडन में भी। ओके, वो भी कहाँ, कौन से स्टेज में होगा वो डेवलप, ऑक्टेंट स्टेज में। ओके, द डिफरेंस अपीयर लेटर। अब क्या होगा, जो हमारा एम्ब्रियो है वो ऑक्टेंट स्टेज में डेवलप्ड होगा, सेम ही डेवलप्ड होगा, पर बाद में जैसे ही स्टेज बदलेगा, जैसे ही और वो डेवलप्ड होगा तब वहाँ पे कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। ठीक है, इन मोनोकॉट एम्ब्रियो सिंगल कॉटिलीडन ऑक्यूपाइज, वहाँ क्या होता है, सिंगल कॉटिलीडन ऑक्यूपाइज होता है टर्मिनल पोजिशन के अंदर। ओके, और जो हमारा वो रहता है क्या, डाइकॉटिलीडन, वो कैसे रहते हैं, उनके अंदर ज़्यादा सीड्स भरे हुए रहते हैं, ज़्यादा सीड्स वाले। ओके, उसके बाद क्या बता रहे थे, सिंगल शेड शेप कॉटिलीडन इज कॉल्ड एज स्क्यूटेलम। ओके, ठीक है, और द प्रोटेक्टिव शीट ऑफ प्लूमिल इज कॉल्ड एज क्लियोपैटिल। ओके, जो हमारा प्यूमिल है, ठीक है, वो किससे प्रोटेक्ट है, इस सब्सटेंस के थ्रू प्रोटेक्ट है। ओके, और फिर जो हमारा रेडिकल है, एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो हमने बताया अभी जो प्यूमिल है वो क्या, कोलियोपिटल नाम की एक सब्सटेंस से प्रोटेक्टिव लेयर रहती है, और रेडिकल में क्लोरियोजिया नाम के एक
सब्सटेंसेस वो प्रोटेक्ट रहता है। फाइनली जो हमारा ओव्यूल है वो क्या होगा, सीड में ट्रांसफर्ड हो जाएगा। भैया इसमें क्या याद रखना है, मैंने इतना सारा तो आपको बता दिया, आप लोगों को कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा है ना। तो भैया मैं आपको एकदम सीधे से बताती हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ जो हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है ना, वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। जो हमारा डेवलप जहाँ पे हो रहा हो एम्ब्रियो, वो कहाँ पे होता है, माइक्रोपाइलर एंड में होता है। ओके, उसके बाद जो हमारा फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जायगॉट जो रहेगा वो दो सेल फॉर्म करेगा, ठीक है, एक तो लार्जर और एक दूसरा स्मॉलर। जो लार्जर रहेगा वो माइक्रोपाइलर एंड एंड के पास रहेगा, उसे हम बोलेंगे सस्पेंसर सेल, और जो हमारा स्मॉलर रहेगा वो चाल्जा एंड पे रहेगा, उसको हम बोलेंगे एम्ब्रॉयनल सेल। ओके, जो सस्पेंसर सेल रहेगा वो कैसे रहेगा, एक फिलामेंटस सस्पेंसर सेल्स 6 to 10 सेल्स वो बनाएगा, ठीक है, 6 to 10 सेल्स वो फिलामेंटस प्रोड्यूस करेगा एक ही प्लेन में। और फिर क्या होगा, जो हमारा लोएस्ट सस्पेंसर सेल रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोफाइसिस नाम से हम उसको इंडिकेट करेंगे। जो हमारा एम्ब्रॉयनल सेल रहेगा वो क्या करेगा, 3 टाइप के माइटोटिक डिवीजन करेगा और क्या बनाएगा, ऑक्टेंट बनाएगा। और फिर जो हमारा 4 लोअर सेल्स रहेंगे ऑक्टेंट के, वो क्या करेंगे, हाइपोकॉटल और रेडियल को फॉर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो अदर 4 सेल्स बचे हुए रहेंगे अपर सेल के, वो क्या करेंगे, प्यूमिल तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, देखो लोअर सेल क्या करेंगे ऑक्टेंट के, वो रेडियल फॉर्म करेंगे, और जो अदर अपर सेल रहेंगे 4 सेल वो क्या करेंगे, प्यूमिल तैयार करेंगे, ठीक है। द सेल इज ओके, ठीक है, इतना ही बताया गया है। और फिर क्या होगा, कुछ सेवरल प्लेन्स में वो डिवाइड होंगे और क्या होगा, हार्ट शेप बन जाएगा, किसका हार्ट शेप बन जाएगा, ऑक्टेंट का। ओके, यहाँ पे ये बताया गया हमारा क्या होगा। फिर उसके बाद हमारा जो सीड रहेगा, जो ओव्यूल रहेगा वो क्या करेगा, सीड में तैयार हो जाएगा। ओके, और जो ओवरी रहेगी वो क्या होगी, फ्रूट बन जाएगी। ओके, अब देखो अब यहाँ पे क्या बता रहा है, सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट, सीड और फ्रूट डेवलपमेंट में क्या बता रहा है, वन ऑफ द वेज टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग इज बाय फॉर्मिंग सीड। अगर भैया एक ही वे बता रहा है यहाँ पे कि अगर हमको ऑफस्प्रिंग बनाना है तो हमें सीड बनाना होगा, ठीक है। द फ्लावर मस्ट बी पॉलिनेटेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सीड एंड फ्रूट। ऐसे ही चीज़ से हमें फ्लावर को पॉलिनेट करना होगा, उस पोलन ग्रेन से, कि हमारा सीड प्रोड्यूस्ड हो। सीड डेवलपमेंट इज इनिशिएट बाय फर्टिलाइजेशन। जो सीड डेवलपमेंट है वो किसके थ्रू होता है, फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है। द इंटीग्रेमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल प्रिसिस्ट एंड गेट ट्रांसफॉर्म इनटू सीड। जो हमारा इंट्यूगेमेंट रहेगा ओव्यूल का, फर्टिलाइज होगा और ट्रांसफर किस में हो जाएगा, सीड कोट में ट्रांसफर हो जाएगा। तब तक हमारा जो इंट्यूगेमेंट क्या था, वो क्या कर रहा था, प्रोटेक्शन कर रहा था ओव्यूल को। अब क्या करेगा वो, अब वो क्या हो जाएगा, सीड को कोटिंग के लिए ट्रांसफॉर्म हो जाएगा क्या, इंट्यूगेमेंट। उसके बाद सीड जो रहेगा, समटाइम्स कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट कवरिंग, अ टिपिकल आउटर सीड कोट और कॉल्ड टेस्टा। अब हमारा जो सीड है वो 2 टाइप की कवरिंग बताया जाएगा। जैसे पहला कवरिंग जो रहेगा वो टिपिकल रहेगा सीड कोट, उसको क्या बोलेंगे हम, टेस्टा। ओके, और जो इनर रहेगा वो थीन रहेगा और उसको हम बोलेंगे टेगमेन। ओके, टेगमेन, ठीक है। यहाँ पे इतना ही बताया गया है सीड ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन के बारे में। अब क्या बता रहा है देखो, अब हम जाएंगे डायरेक्टली, अब मैंने आपको ओरली ये सब चीज़ें बता दिया, अब हम देखेंगे यहाँ पे। मैंने क्या बताया, सबसे पहले जो फ्लावर रहेगा उसको इस टाइप से पॉलिनेट होना होगा कि वो सीड और फ्रूट को डेवलप कर सके। उसके बाद जो हमारा सीड रहेगा वो फर्टिलाइजेशन के थ्रू डेवलप्ड होगा। उसका जो इंट्यूगेमेंट रहेंगे वो क्या करेंगे, वो है ना, ट्रांसफर हो जाएंगे सीड कोट में। ओके, और जो हमारा सीड कोट रहेगा, सीड कोट किस टाइप का रहेगा, सीड कोट हमारे 2 टाइप के रहेंगे, एक तो पहला रहेगा आउटर और दूसरा रहेगा इनर। आउटर कैसा रहेगा, आउटर को हम क्या बोलेंगे, टेस्टा, और इनर को हम बोलेंगे टेगमेन। इतना हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब आगे का, द न्यू सेल्स इन ओव्यूल मे पेरिस्ट इन सम जनरल लाइक ब्लैक पेपर एंड बेट हैज थीन। ओके, कुछ चीज़ों में देखो, जैसे ब्लैक पेपर में क्या होगा, वो लेयर को हम क्या बोलेंगे, पेरिस्पेरम। ओके,
पेरिस्परम, उस लेयर को हम क्या बोलेंगे, पेरिस्परम। किस में पाई जाती है वो लेयर, ब्लैक पेपर, पेपर और बीट में। ओके, इन सम सीड्स द फूड रिजर्व्स इन एंडोस्पर्म एंड पार्शली यूज्ड अप इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, जो फूड रिजर्व हो जाते हैं एंडोस्पर्म में वो कहाँ यूज होते हैं, एम्ब्रियो को डेवलप करने में। इन सच सीड्स द एंडोस्पर्म रिमेन्स कॉन्शिपियस एंड फिल्स अ ग्रेट पार्ट ऑफ सीड, दस द रिजल्टेंट सीड इज एंडोस्पर्मिक। अब भैया हम एंडोस्पर्मिक किस सीड को बोला जाएगा, जहाँ पे जो सीड रहेगा वो ग्रेटर क्वांटिटी में उस एंडोस्पर्म जो रहेगा, एंडोस्पर्मिक हम उस चीज़ को बोलेंगे जहाँ पे एंडोस्पर्म जो रहेगा वो ग्रेटर ग्रेटर पार्ट ऑफ सीड्स में फिल हुआ रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म। जैसे एग्जांपल आएगा हमारा कोकोनट और मेज, ठीक है। इन अदर सीड द एम्ब्रियो एब्जॉर्ब्स फूड रिजर्व फ्रॉम द एंडोस्पर्म कम्प्लीटली, ओके, ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट स्टेज। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा एम्ब्रियो है वो क्या करेगा, फूड को रिजर्व करेगा, एंडोस्पर्म जो रहेगा वो कम्प्लीटली डेवलप्ड हो जाएगा ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेज, दस एंडोस्पर्म डिसअपियर्स इन मैच्योर सीड्स, द रिजल्टेंट इज नॉन एंडोस्पर्मिक। जैसे अगर हमारा जो एम्ब्रियो है वो भी क्या कर रहा है, वो कम्प्लीटली एंडोस्पर्म से फूड रिजर्व कर रहा है, तो हमारा क्या होगा, जो एंडोस्पर्म रहेगा वो क्या करेगा, डिसअपियर हो जाएगा, और इस डिसअपियर के थ्रू क्या होगा, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बन जाएगा, ठीक है। देखो कितना कीचड़ माकुड़ दिख रहा है यहाँ पे, ओके। अब क्या बता रहा है, द कॉटलीडॉन्स इन सम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स एक्ट हैज फूड स्टोरेज। कुछ कुछ जगहों पे कुछ कुछ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स में जो कॉटलीडॉन है वो क्या बताया जाएगा, फूड स्टोरेज के थ्रू यूज हुआ जाएगा, या फिर फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गन के थ्रू भी। माइक्रोपाइल पेरिस अ स्मॉल स्पोर इन सीड्स आउट कोट टू अलो द एंट्री ऑफ वाटर। कुछ कुछ जगहों पे जो हमारा माइक्रोपाइल रहेगा सीड में, वो कोटिंग में ना एक छोटा सा स्पोर्स छोड़ दिया जाएगा, स्पोर दिखाई देगा, वो क्या करता है, एंट्री करता है वाटर को और ऑक्सीजन को अंदर खींचने में, अंदर सोकिंग करने के लिए। ओके, द फ्रूट डेवलप्ड इन ट्रिगर्ड बाय हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय डेवलपिंग सीड्स। हैज मेंशन अर्लियर द आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगॉट इज फॉर्म एंड द ओवरी बिगेंस टू डिफरेंशिएट इनटू द फ्रूट। पहले ही हमने पढ़ लिया था जो हमारा फ्रूट है वो कैसे डेवलप्ड होगा, जो हमारा ओवरी रहेगी वो फ्रूट के अंदर डेवलप्ड होगी। ओके, यहाँ पे इतना ही बताया गया। जो पेरिकार्प है वो एक थ्री लेयर्ड है, देखो अब यहाँ पे मैं आपको एक और बार पढ़ के सुनाती हूँ, एक सेकेंड। ओके ओके, हैज मेंशन अर्लियर आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगॉट इज फॉर्म एंड द ओवरी बिगेंस टू डिफरेंशिएट। भैया आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जायगॉट रहेगा वो फॉर्म होगा, और जो हमारी ओवरी है वो डिफरेंशिएट होना चालू होगी फ्रूट में, एंड द ओवरी वॉल डेवलप्स इनटू पेरिकार्प। जो हमारी ओवरी जो रहेगी उसका जो वॉल रहेगा वो कैसे पेरिकार्प में प्रोड्यूस्ड होना, डेवलप्ड होना चालू हो जाएगा। पेरिकार्प इज बेसिकली थ्री लेयर विच गेट डिफरेंशिएट इन फ्लेशी फ्रूट लाइक मैंगो कोकोनट। ओके, थ्री लेयर फॉर्म करेगा मैंगो और कोकोनट। ओके, उसके बाद क्या बता रहा है, उसके कुछ सिग्निफिकेंस बताया गया है फ्रूट्स और सीड फॉर्मेशन के थ्रू। फ्रूट डेवलप्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग सीड्स। फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड इन इमैच्योर कंडीशन। फ्रूट क्या करता है, सीड को प्रोटेक्ट करता है इमैच्योर कंडीशन में। ओके, सीड्स सर्व हैज इम्पॉर्टेंट प्रोपोगेटिंग ऑर्गन। ओके, सीड क्या है, इम्पॉर्टेंट प्रोपोगेटिंग ऑर्गन है प्लांट्स में। सीड्स एंड फ्रूट्स डेवलप स्पेशल डिवाइस फ्रॉम द डिस्पेरल एंड दस हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिस। ठीक है, इतना समझ गया। अब क्या बता रहा है, डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी मतलब, डॉर्मेंसी इज अ स्टेट ऑफ मेटाबॉलिक अरेस्ट डैट फैसिलिटेट्स द सेवरल सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन। डॉर्मेंसी ये बता रहा है कि अगर भैया यहाँ पे एक एडवर्स कंडीशन आ जाए इन्वायरमेंट में, तो वो क्या करेगा डॉर्मेंसी, और ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने की हेल्प करेगा। ओके, स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजिकल एडेप्टिव मैकेनिज्म फॉर सेवरल इज कॉल्ड एज डॉर्मेंसी। मैच्योर एंड वाइबल सीड्स विल नॉट जर्मिनेट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशन एंड दे डिस्पेयर एंड एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग डॉर्मेंसी। वाइबल सीड्स जर्मिनेट ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डॉर्मेंसी। ओके, बस इतना ही इसमें बताया गया। अब क्या बता रहा है, देखो एपोमिक्सिस।
ये एपोमिक्सिस जो है वो लास्ट टॉपिक है आई थिंक. नहीं, एपोमिक्सिस के बाद पार्थेनोक्रेपी और पॉलीएम्ब्रियो नहीं है, फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, ओके. तो जो एपोमिक्सिस है, टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस और पार्थेनोक्रेपी है, और जो पॉलीएम्ब्रियो है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाली हूँ. तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना, मैं आपको आज ही भेजने वाली हूँ वो भी वीडियो. सो आप लोगों को समझ गया आज अपन ने क्या क्या पढ़ा. डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है. डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ने के बाद हमने पढ़ा कि उसकी सिग्निफिकेंस देखे हमने. उसके बाद हमने एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट देखा, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट देखा, और साथ ही साथ सीड और फ्रूट की डेवलपमेंट देखा, और डॉर्मेंसी के बारे में पढ़ा कि डॉर्मेंसी क्या है. ठीक है, इतना आप लोगों को समझ गया. अब मैं आपको एपोमिक्सिस के बारे में बताऊँगी अगली वीडियो में. तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कम से कम 100 सब्सक्राइबर कर दीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो पे अच्छा खासा लाइक भी कर दीजिए. ठीक है गाइज, सो थैंक यू.